नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए बड़ी और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर प्रशासन लगाम लगाने में नाकामयाब दिख रहा है। इसी कड़ी में देर शाम आईएसबीटी स्थित स्पर्श नामक मेंस सैलून में लगातार मिल रही अनियमितताएं और शिकायतों के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की और आईएसबीटी स्थित स्पर्श मैन सैलून में छापा मारकर अनियमितताओं के साथ आपत्तिजनक पदार्थ भी प्राप्त हुए, जिसके बाद पुलिस ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही कुछ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, राजधानी में चल रहे अन्य स्पा सेंटर में भी कार्रवाई की गई और अनियमितताएं पाए जाने पर 32,000 का चालान किया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम का कहना है, इस प्रकार के अनैतिक कार्य करने वाले स्पा सेंटरों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, विभिन्न माध्यमों से शिकायत आई थी और शिकायत की प्राथमिक जांच के आधार पर हमारे द्वारा यहां पर रेड की गई है और रेड में जो भी कार्रवाई, जो भी न्यायोचित कार्रवाई है, जो कमियां पाई जाएगी या जो भी कोई इसके संबंध में पाया गया है, उस संबंध में न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। कि किसी माध्यम से यहाँ पे कंप्लेंट आई है, उसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन और रेड इसका कंडक्ट की गई है। रेड के कंसर्न में जो भी हमें चीज़ें मिलेगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हमारे रेड का पार्ट है। जो जो चीज़ें हमें मिली है, वो हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी सुनिश्चित कार्रवाई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। नमस्कार।